हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि एक्चुअली बॉन्ड ऑफ इंडेमनिटी जो फॉर्म फिलअप करवाया जाता है रेलवे में, जब आपका सिलेक्शन वगैरह हो जाता है तो किसी भी डिवीजन में जब आप रिपोर्ट करते होंगे तो वहां पे आपको बॉन्ड ऑफ इंडेमनिटी फॉर्म फिलअप करना पड़ता होगा। तो एक्चुअली क्या है, इससे रिलेटेड डिटेल में आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे। तो एक्चुअली क्या है, बॉन्ड ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है? अगर जब बाय द वे अगर आपका किसी एग्जाम में जो है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अगर आपका सिलेक्शन वगैरह अगर हो गया है हायर ग्रेड पे में, तो एक प्रोसेस होता है जो कि आप एनओसी का जो होता है, जब आप फॉर्म फिलअप वगैरह किए होंगे तो पहले से ही एनओसी वगैरह आप अगर आपको मिल गया होगा, तब तो आपको फाइनली सिलेक्शन वगैरह होने के बाद भी एनओसी आपको इजीली मिल जाता है, जब आप पहले से उसके बारे में इन्फॉर्म कर चुके हैं। तो दूसरा प्रोसेस ये होता है कि जब आप पहले से इन्फॉर्म नहीं किए हैं तो आपको एनओसी जनरली नहीं दिया जाता है। मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन जनरली नहीं दिया जाता है। तो नहीं दिया जाता तो वैसे केसेस में कैसे आप उस जॉब को, रेलवे की जॉब को छोड़ के जो है किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में जहाँ आपका सिलेक्शन हुआ है ज्वाइन करेंगे? उसका तरीका ये है, जब आपको एनओसी नहीं मिलता है तो दूसरा प्रोसेस यही है कि आपको रिजिग्नेशन देना पड़ता है। तो रिजिग्नेशन देना पड़ता है तो उसके लिए क्या है, जब आप रिजिग्नेशन देंगे तो उसके बाद वो जो भी आपका जो एक लेटर होगा रिजिग्नेशन का, वो आपके जो एक्चुअली एक्सेप्ट करते हैं वो डीपीओ ऑफिस जो होता है, सीनियर डीपीओ साहब जो होते हैं वही एक्सेप्ट करते हैं रिजिग्नेशन वगैरह। तो अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं रिजिग्नेशन और बोल देते हैं कि पेमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बॉन्ड पेमेंट करने की, तो आपको फिर वो लेटर एक दे दिया जाएगा कि आप जहाँ भी आपका सिलेक्शन हुआ है वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा केसेस ऐसा होता है कि जब आपको बोलेगा कि बॉन्ड पेमेंट आपको करना पड़ेगा एक एज ए कॉम्पनसेशन, जो भी आपको ट्रेनिंग पीरियड में रेलवे पे की है, तो आपको क्या है कि आपको जो भी आपको सैलरी मिला होगा एक्चुअली ट्रेनिंग पीरियड के दौरान, तो वो आपको पेमेंट करने होंगे। जब आप पेमेंट कर देंगे तो फिर आपको एक लेटर दे देगा आपको एक्सेप्टेंस वाले, और उसके बाद आप जहाँ भी आपका सिलेक्शन हुआ है वहाँ आप जॉब जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये दो प्रोसेस होता है, एक एनओसी का, दूसरा रिजिग्नेशन का। तो अगर ये दो प्रोसेस करके जाएंगे जहाँ भी आप जॉब जहाँ आपका सिलेक्शन हुआ है, तो आपको आगे कोई समस्या नहीं होगी। बाय द वे अगर आप बिना इन्फॉर्म किए हुए चले जाएंगे तो आजकल में आपको भी पता है सारी चीज़ आधार और पैन वगैरह से लिंक है, तो आपके सारे जो डिटेल्स जो है जहाँ आप बाय द वे बिना इन्फॉर्म किए अगर चले जाते हैं तो भी उनको पता चल जाएगा। तो फिर पता चल जाएगा तो जहाँ आप जॉब ज्वाइन कर लिए हैं तो फिर बोलेगा जहाँ आपने पहले कर रखा है जॉब वहाँ पे जाके आप पहले रिजिग्नेशन देके आइए, उसके बाद ये जॉब को कंटिन्यू करने के लिए आपको बोला जाएगा। तो एक्चुअली यही सारे आपके प्रोसेस होते हैं। आशा करते हैं कि आपको बहुत सारे जो क्वेरी जो थे आपके वो इसमें सॉल्व हुए होंगे। और मेरा अगर चैनल अगर अच्छा लगता है तो जरूर आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।